हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस, आज मैं आपके लिए वर्ड ऑफ ऑनर ड्रामा सीरीज़ की एपिसोड नंबर 23 और 24 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर वीडियो बनाने लगी हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 23 स्टार्ट होती है कि जब मास्टर शेन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते चेंगनिंग को कहता है कि मैं गाओ श्याओ को ढूंढने जा रहा हूँ और उसे नसीहत करता है कि मैं और गाओ चौंग वेन केशिंग को बहुत कुछ ओ करते हैं, हमेशा उसके ओबीडियंट रहना और अगर मैं मर जाऊँ तो गाओ श्याओ का ख्याल रखना, उससे शादी करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। उधर जीशु गुशियांग से पूछता है कि तुम तो बचपन से वेन केशिंग के साथ हो, ये कब वहाँ एंटर हुआ? तो गुशियांग नर्वस होकर पूछती है कि कहाँ एंटर हुआ, लेकिन जीशु आगे से कोई बात नहीं करता। फिर वेन केशिंग एक सपना देखता है कि वो छोटा सा है और किसी खौफनाक से हुलिये वाले घोस्ट चीफ के सामने खड़ा है। वो उसे बताता है कि ये कोई आम जगह नहीं है, जहाँ सरवाइव करने के लिए तुम्हें बाकियों को सबको हराना होगा और वो उसकी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार होता है और कहता है कि तुम अगले किंग ऑफ द ईवल होगे। फिर वो डर के मारे जाग जाता है। जीशु काफ़ी फिक्रमंद था क्योंकि वेन केशिंग एक दिन और एक रात के बाद होश में आया था। वेन केशिंग शेन का पूछता है तो जीशु कहता है कि मैंने उसे भगा दिया है, चाहे वो कितना ही बुरा रहा है लेकिन रिसेंटली उस पे और उसके भाई गाओ चौंग पर काफ़ी जुल्म हुआ है, वो मरना डिजर्व नहीं करता था। वेन केशिंग बहुत गुस्से में था और शेन को मारना चाहता था। जीशु कहता है कि असल मुजरिम जाओ जिंग है, तुम ठीक हो जाओ फिर हम दोनों इकट्ठे उसको मारने के मिशन पर जाएंगे। तो वेन केशिंग कहता है कि ठीक है लेकिन तुम सबसे पहले रिकवर हो जाओ, ये सबसे ज़रूरी है, फिर हम दोनों इकट्ठे जाएंगे और अपना बदला लेंगे। फिर गुशियांग भी वहाँ आ जाती है और वेन केशिंग उसे अकेले में बताता है कि मेरी ये तबीयत ख़राब वाटर ऑफ लीथ के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हुई थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि स्कॉर्पियन किंग ने ब्यूटी घोस्ट और ट्रेजी कॉमिक घोस्ट को कैद कर रखा था। वहाँ पे ट्रेजी कॉमिक घोस्ट जाओ जिंग के ख्यालों में नीम पागल हुए बैठी थी। स्कॉर्पियन किंग को शक हो रहा था कि शायद जो अफवाहें फेंग यू ने बताई थी वो वाकई में सच हो, तभी तो जाओ जिंग ने लवलेस घोस्ट को इसको मारने के लिए भेजा था। स्कॉर्पियन किंग ट्रेजी कॉमिक घोस्ट का चेकअप करता है। फिर स्कॉर्पियन किंग बातों बातों में ब्यूटी घोस्ट को ऑफ़र करता है कि अगर तुम मेरा हुक्म मानोगी तो मैं बदले में तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटा दूंगा। ऑर्डर ये था कि वो वाटर ऑफ लीथे की रेसिपी लाकर उसे दे और बदले में वो उन दोनों को आज़ाद भी कर देगा। उधर गुशियांग मास्टर वेन केशिंग से पूछती है कि आप तो बहुत छोटे थे जब आपने घोस्ट वैली ज्वाइन की थी, लेकिन आपने क्यों यादों को भुलाने वाला वाटर ऑफ लीथे पिया? तो वेन केशिंग कहता है कि कुछ लोग चाहते थे कि मैं अपनी यादें भुला दूं, लेकिन वो यादें मुझे फिर भी नहीं भूली। वो कहता है कि चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, मैं राख में से भी दोबारा ज़िंदा होऊंगा, लेकिन अपनी फैमिली के साथ की गई ज़्यादतियों को कभी भी नहीं भूलूंगा और एक दिन मैं अपने दुश्मनों से ज़रूर बदला लूँगा। फिर वो उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वेनिंग से लव करती हो? वो बात टालने लगती है तो वेन केशिंग कहता है कि अगर तुमने जवाब ना में दिया तो मैं उसे मार दूंगा। तो गुशियांग आगे से खामोश हो जाती है। फिर वेन केशिंग उसे इजाज़त दे देता है कि तुम कल उसके साथ उसके कबीले जा सकती हो। गुशियांग अपने मास्टर वेन से अलग होने पर सैड होती है तो वेन केशिंग उसे कहता है कि मैंने जो रास्ता चूज़ किया है उसमें मेरे साथ ना चलो, वो सीधा नर्क को जाता है। फिर वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारी आत्मा भटकी हुई थी, तुम जब घोस्ट वैली में दाखिल हुई थी, अब तुम्हें इंसानी दुनिया में रहने का मौका मिल रहा है तो तुम ज़रूर जाओ। फिर वो उसे जवाब में बताती है कि मुझे शक है कि गाओ चौंग ने असली आर्मर का पीस जेंटल विंड स्वर्ड कबीले में भेज दिया है और इसी के पीछे मैं वेनिंग के पीछे पीछे जा रही थी। फिर वो रोते रोते कहती है कि मैंने तो वेनिंग को अपने लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन वो तो बहुत अच्छा इंसान निकला, अगर किसी दिन मेरी असलियत उस पर वाजे होगी तो वो क्या करेगा, इसलिए वो बहुत डरी हुई थी। वहाँ गुशियांग उसे कहती है कि अगर एक दिन जीशु को आपकी भी असलियत पता चल जाएगी तो क्या होगा? तो आगे से वेन केशिंग कहता है कि तुम थोड़े ही दिन इंसानों के साथ रही हो और इतनी इमोशनल बातें करने लगी हो।
फिर वैनकशिंग ये कहकर बात ख़त्म कर देता है कि तुम अपनी असलियत उनको कभी भी ना बताना, उन्हें पता ही नहीं चलेगा और मैं वैनिंग के कबीले को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। और जाते जाते वो उसको ये भी कहकर जाता है कि मुझे ग्लेज्ड आर्मर नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ एक कवर था। वैनिंग किचन में खड़ा खाना पका रहा होता है तो ऊपर से वैनकशिंग उससे मिलने के लिए आता है। वैनकशिंग वैनिंग को बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है। वैनकशिंग उसे सारी पुरानी बातें बताता है कि जब मैंने गुशियांग को पाला तो उस वक़्त मैं भी छोटा सा था। उस वक़्त गुशियांग की हालत बहुत ख़राब थी और उस वक़्त उसका कोई भी नहीं था, इसीलिए मैंने गुशियांग का ख्याल रखा। फिर वैनकशिंग कहता है कि मेरी जैसी बैड एग्जाम्पल उसके सामने थी, लिहाजा वो भी कई दफ़ा रास्ते से भटकती रहती है। फिर सब बातों के बाद वैनकशिंग उसे कहता है कि गुशियांग मेरे लिए एक छोटी बहन की तरह है। फिर वो एकदम से उसका डैड बन के बात करने लगता है और वो गुशियांग की ऐसे तारीफ़ें करता है कि जैसे कोई डैड अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त करता है। और उसे कहता है कि वैनिंग क्या तुम गुशियांग को एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी दे सकते हो, और वो उससे वादा लेता है कि तुम कभी भी गुशियांग को धोखा नहीं दोगे और उसकी हिफाजत करोगे। वैनिंग के तो दिल की इच्छा पूरी हो गई थी, वो फौरन से शपथ खाता है कि वो हमेशा गुशियांग को खुश रखेगा। फिर वैनकशिंग उसे कहता है कि अगर तुमने ये शपथ तोड़ी तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। उन दोनों की डीलिंग होने के बाद ऊपर से जीशु भी आ जाता है और जीशु वैनिंग को कहता है कि अगर तुम्हारा ससुर तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती करे तो मुझे बताना। वहाँ पर जीशु उनको फोर सीजन मैनर के बारे में बताता है कि वो कितना खूबसूरत है, तो चैंगलिंग ये सुनकर वहाँ पर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। उधर जाओजिंग बहुत खुश होता है क्योंकि उसको एक कबीले की जानब से एक लेटर मिलता है कि हम लोग मिलकर घोस्ट वैली को तबाह करेंगे। अगले सुबह जब वैनिंग जाने लगता है तो वैनकशिंग बड़े अच्छे मूड में उसे कहता है कि ये गुशियांग बड़ी बदतमीज़ हो गई है, अब मैं मज़ीद इसे अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम चाहो तो इसे अपने साथ ले जा सकते हो। फिर काफ़ी देर हंसी मजाक के बाद वो गुशियांग को वैनिंग के हवाले कर देता है और वैनिंग कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और अपने मास्टर से कहकर इसके साथ फॉर्मल वेडिंग अरेंज करता हूँ। उधर जाओजिंग स्कॉर्पियन किंग को ऑर्डर करता है कि घोस्ट वैली से रिलेटेड एक बुक बना के सारे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिसमें घोस्ट वैली के बारे में सब कुछ डिटेल्स लिखी हुई हों। जाओजिंग अब घोस्ट वैली को तबाह करने के लिए कोई ख़तरनाक प्लान बना रहा था क्योंकि आर्मर की उसने वहीं छुपाई थी और घोस्ट वैली को तबाह करके वो हासिल करना बहुत ज़रूरी था। अब उसके साथ घोस्ट भी उसके लिए यूज़लेस हो चुके थे। बाद में जाओजिंग दिल ही दिल में सोचता है कि लवलेस घोस्ट को मैंने एक मिशन पर भेजा था, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। उधर जीशु वैनकशिंग और चैंगलिंग तीनों सफ़र करते करते फोर सीजन मैनर जीशु के स्कूल के करीब पहुंच जाते हैं। वहां के नज़ारे बहुत ही हसीन होते हैं। वहां पर जीशु उनको बताता है कि उनका मास्टर और उसकी पत्नी जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे और रैबिट्स भी पालते थे। वहां पर जीशु उनको एक आबशार के पास उनके मास्टर की खोती हुई एक निशानी भी दिखाता है। जीशु इतने लंबे अरसे के बाद अपने स्कूल फोर सीजन मैनर में दाखिल होता है। जीशु वहाँ अंदर जाकर हैरान होता है कि ये जगह तो अब पहले जैसी दिखती ही नहीं है, इतने अरसे से बंद पड़ी रही है। वैनकशिंग और शेंगनी उसे कहते हैं कि हम इस जगह की सफाई करके इसे फिर से वैसा ही बना देंगे। फिर जीशु उनको बताता है कि यहाँ की एक एक चीज़ स्पेशल तौर पर डिज़ाइन की गई है, हर एक दरख्त और हर एक मिनिएचर इसी तरह से डिज़ाइन है कि अगर यहाँ पर दुश्मन हमला करेंगे तो ये सारी चीज़ें काम आ सकेंगी और हम अंदर बैठे उनका मुकाबला कर सकते हैं। उधर रास्ते में गुशियांग अकेले में देखती है कि कुछ लोग एक आदमी पर हमला किए खड़े हैं। वो आदमी गाओचोंग का आदमी था और वो अटैकर उसे कहते हैं कि हीरोज़ कॉन्फ्रेंस पर वैनकशिंग ने चैंगलिंग को बचाया था, वो शख्स घोस्ट वैली का चीफ था। मतलब कि वैनकशिंग की असलियत आहिस्ता आहिस्ता लीक हो रही थी और वो आदमी पब्लिक में अनाउंस करता है कि वैनकशिंग और गाओचोंग दोनों आपस में मिले हुए थे, यानी कि गाओचोंग गद्दार था। गुशियांग ये सुनकर परेशान हो जाती है कि मेरे मास्टर की आइडेंटिटी एक्सपोज हो रही है। जब वो आदमी गाओचोंग के स्टूडेंट को मारने लगता है तो लीडर शेन आके उसे बचा लेता है।
गुशियांग ये सारा सीन देखने के बाद जल्दी से वैनिंग के पास चली जाती है। वहाँ पे गुशियांग उससे पूछती है कि अगर तुम्हारे मास्टर्स ने मुझे पसंद ना किया तो फिर कैसे मुझसे शादी करोगे। तो आगे से वैनिंग कहता है कि तुम मुझे किडनैप कर लेना और हम दोनों वहाँ से भाग जाएंगे। फिर वो उसे यकीन दिलाता है कि वो हमेशा उसका हर हाल में साथ देगा। गुशियांग सोचती है कि एक दिन इसे मेरी हकीकत ज़रूर पता चल जाएगी, लेकिन इसके साथ जितने भी दिन गुजार लूँ यही मेरे लिए गुड लक है। फिर फोर सीजन मैनर का सीन दिखाते हैं कि जहाँ पर चैंगलिंग और वैन केशिंग ग्रॉसरीज लेकर फोर सीजन मैनर स्कूल जा रहे होते हैं। तो रास्ते में चैंगलिंग जीशु के साथियों का पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ था। तो वैन केशिंग कहता है कि ये बात उसके सामने ना पूछना, वो बेचारा दुखी हो जाएगा। तो चैंगलिंग कहता है कि उन्होंने भी मुझे आपके बारे में ऐसे ही कहा था, आप दोनों कितने सिमिलर हैं। फिर रात को सोते हुए वैन केशिंग को अपने बचपन का सपना आता है कि जब उसके मॉम डैड को घोस्ट्स ने मार दिया था, उसके डैड ने राज ना बताया था, आर्मर की के बारे में बताने से पहले ही उसने अपनी ज़ुबान काट ली थी। ऊपर से वैन केशिंग आता है और अपने मॉम डैड को इस हाल में देखकर कहता है कि मुझे भी मार डालो। वो वहाँ सारे घोस्ट के सामने कहता है कि मुझे मार दो वरना मैं तुमसे भी बड़ा ईवल घोस्ट बनूँगा और तुम सारों को मार दूँगा। तो ट्रेजिक कॉमिक घोस्ट चीफ से कहती है कि इसे अपने साथ ही ले जाते हैं, ये बहुत ही बड़े एम्बिशंस वाला बच्चा है, हमारे काम आएगा। फिर घोस्ट वैली लाकर ट्रेजिक कॉमिक घोस्ट उसे कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड अच्छे इंसान थे, मैं उन्हें ना बचा सकी लेकिन मैंने तुम्हें सेव कर लिया है। फिर वो उसे वाटर ऑफ लीथे देती है कि ये पी लो, तुम सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन वो सोचता है कि मुझे कुछ भूलना ही नहीं है। इतने में उसकी आँख खुल जाती है और उसी टाइम पे पास पड़े जीशु की तबीयत ख़राब होती है और वैन केशिंग उसे जगाकर उसको हीलिंग देता है। वैन केशिंग को फिर से जीशु की फ़िक्र होती है और कहता है कि ये भाई जी तो हज़ार साल का बुढ़ा बिल्कुल टर्टल जैसा है, अभी तक आया ही नहीं। वैन केशिंग जीशु से पूछता है कि तुम हमेशा अपने सपने में किसी जूनियर को बुला कर डरते हो, ये क्या बात है। तो फिर जीशु से कहता है कि हम दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि कोई ऐसी बात नहीं जो मैं तुमसे शेयर ना कर सकूं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जीशु फोर सीजन मैनर स्कूल का लीडर था तो उसके साथी जिनमें जियो शियाओ उसका जूनियर भी शामिल था, वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके एक और जूनियर जियांग को प्रिंस जिन के ऑर्डर्स के मुताबिक उसको मारने से बचाया जाए। जियांग जीशु का जूनियर था और सारे साथी उसको बहुत चाहते थे जिनमें जियो शियाओ भी शामिल था। वो लोग अपनी जान दांव पर लगाकर जियांग को बचाना चाहते थे। तो जीशु ने बहला कर उनको एक ऐसी ड्रिंक पिला दी थी जिसके बाद वो सारे के सारे बेहोश हो गए थे और 5 दिन तक सोए रहे। वो ड्रिंक ड्रंक लाइक आ ड्रीम थी। उसके बाद उसका जूनियर जियो शियाओ जब होश में आया तो वो जीशु से नाराज़ हो गया और उसे मिले बगैर ही वहाँ से चला गया। फिर एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि उस बेचारे को लगा कि जीशु किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, तो वो दुश्मनों के इस ट्रैप में फंस के मारा गया और जीशु को बचाते बचाते अपनी ही जान दे गया। और जीशु ये बताते हुए रोने लगता है कि जियो शियाओ की लवर को भी मैंने ही जहर देकर मारा था, लेकिन जब तक मुझे ये पता चला कि वो उसकी लवर है मैं उसको जहर दे चुका था। जियो शियाओ था तो उसका जूनियर लेकिन वो उसे छोटे भाइयों की तरह चाहता था। फिर जीशु कहता है कि अब वो दोनों इकट्ठे स्वर्ग में बैठे मुझे गालियाँ दे रहे होंगे। वो पास्ट की बातें याद करते करते उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। फिर वो वैन केशिंग को बताता है कि मास्टर किन जैंग को कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी, मरने से पहले उन्होंने फोर सीजन मैनर मेरे हवाले कर दिया था लेकिन मैं यहाँ के लोगों की हिफाजत ना कर पाया। मार्शल आर्ट्स की सारी दुनिया सारे लोग हमारे दुश्मन बन चुके थे और मेरे सीनियर्स को एक एक करके मारते जा रहे थे। उन दिनों प्रिंस जिन मेरा कज़न था, उसने एक दफ़ा मुझे मुसीबत में मदद के लिए पुकारा और उसने जीशु को अपने डैड के जुल्मों सितम की कहानियाँ सुना सुना के बहला कर इतना इमोशनल कर दिया कि जीशु अपने 81 साथियों के साथ प्रिंस जिन के साथ मिल गया। लेकिन प्रिंस जिन को सिर्फ पावर का नशा था, उसने इन सारों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया
और उसके लिए काम करते करते एक एक करके उसके सारे साथी विंडोज ऑफ हेवन में मारे गए। वो कहता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय इन 7 कीलों के। फिर वो पास बैठे चैंगलिंग को देखकर कहता है कि अब गॉड ने मुझे चैंगलिंग की शक्ल में एक सक्सेसर दे दिया है, फोर सीजन मैनर अब जिंदा रहेगा। अगली सुबह जब जीशु उठता है तो चैंगलिंग सफाइयाँ कर रहा था, जबकि वैन केशिंग जीशु की एक पुरानी सी पेंटिंग को फिक्स कर रहा था। फिर वो दोनों तीनों इकट्ठे बहुत खुश नज़र आते हैं। फिर उधर येबा ऐशी का सीन दिखाते हैं, जो कि एक जगह पर कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि वैन केशिंग घोस्ट वैली का चीफ है और हर जगह उसके स्केचेस फैला दिए गए हैं। वहाँ पर वो आदमी येबा ऐशी को बताते हैं कि फाइव लेक्स अलायंस ने हर जगह घोस्ट वैली के तमाम मेंबर्स और 10 बड़े डेविल्स के स्केचेस फैलाए हैं और उन्हीं स्केचेस में वैन केशिंग उनका चीफ दिखाया गया है और बाकी सारे घोस्ट की पिक्स भी उसमें हैं। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 24 ख़त्म हो जाती है।